Morning to all of you. Today I am going to discuss your next topic of reflection of your chapter light. Topic है आपका uses of concave mirror. काफी important topic है uses of concave mirror. इसके बाद मैं convex mirror के uses discuss करूंगा. तो exam में यहाँ से question बनता है आपका. तो exam में question किस तरह से बनता है पहले बता देता हूँ. Question कई बार direct straightforward पूछते हैं. Write any two uses of concave mirror. तो आपको जितने मैंने यूजेज लिखने हैं इसमें से कोई भी दो यूजेज आप लिख सकते हो. और कई बार इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है, जो आपके ये यूजेज लिखे हैं ना मैंने, इनमें से कोई भी एक यूज लिखा होगा आपको और वहां पे पूछा होगा विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन दिस केस. तो इस दो तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है. तो लेट्स डिस्कस द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर. इनको समझ लेते हैं, उसके बाद आप कैसे भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर की सबसे पहले दो खासियत होती है, दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से कॉनकेव मिरर को इन सब यूजेस में यूज किया जाता है. ठीक है, इन सब चीजों में यूज किया जाता है. तो इनकी दो प्रॉपर्टी कौन सी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉनकेव मिरर इकलौता ऐसा मिरर है. आपके पास तीन टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. उनमें से कॉनकेव मिरर के पास प्रॉपर्टी होती है वो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना के दे सकता है. मतलब इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, दूसरा वो एनलार्ज्ड होगी, उसका साइज बड़ा होगा. आपने रे डायग्राम में जो रे डायग्राम नंबर 6 था आपका, जिसमें ऑब्जेक्ट आपका पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाता है, उस केस में अगर आपको याद हो तो आपके कॉनकेव मिरर के राइट हैंड साइड पे यहां इमेज बनती थी, मतलब बिहाइंड द मिरर. वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज थी और एनलार्ज थी, उसका साइज बहुत बड़ा था. बाकी कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी एनलार्ज इमेज नहीं बनती, वर्चुअल तो बनती है पर हमेशा छोटी बनती है. प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो हमेशा सेम साइज की बनेगी. ठीक है, तो आपके एनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना के देता है कॉनकेव मिरर. दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है एक सा कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर का मतलब ये लाइट रेज को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट को फोकस कर सकता है, लाइट रेज को. ये इसकी प्रॉपर्टी होती है. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से इसको इन डिफरेंट जगहों पे यूज किया जाता है. आप देखते हैं कहाँ कहाँ पे, और आपको पहचानना है इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है यहाँ पे. देखो सबसे पहले कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है मेकअप मिरर की तरह और शेविंग मिरर की तरह. मतलब जब भी कोई फीमेल मेकअप करती है या कोई मेल भी मेकअप करता है कभी, ठीक है, कई बार फिल्म स्टार्स का भी मेकअप होता है, तो उस टाइम पे हमारे फेस पे कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां पे मेकअप को फिल करना होता है ताकि फेस ज्यादा ग्लोइंग लगे. तो वहां पे उसके लिए हमें अपनी फेस की एक एनलार्ज्ड इमेज चाहिए होती है और वो इरेक्ट होनी चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होनी चाहिए. तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर को, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमें इस टाइप की इमेज बना के देता है. तो मेकअप मिरर में यूज होता है. दूसरा शेविंग मिरर में, जब मैन आदमी अपना शेविंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे आदमी को क्या होता है, देखना होता है उसके फेस को, बहुत क्लियरली देखना होता है कि कहीं पे कोई छोटा हेयर तो नहीं रह गया जिसको उसको शेव करना है. तो उसके लिए भी उसको क्या चाहिए? फेस की एनलार्ज्ड इमेज चाहिए, एंड दैट शुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. और ये काम हमें कौन करके देगा? कॉनकेव मिरर. तो सबसे पहला यूज है मेकअप मिरर या शेविंग मिरर की तरह इसको यूज किया जाता है. प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई? पहले वाली. दूसरा, डेंटिस्ट भी इस मिरर को यूज करते हैं. कभी आपके दांत में दर्द हुआ और आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो डेंटिस्ट के हेड पे ये मिरर लगा होता है, ठीक है, या डेंटिस्ट एक इस तरह से एक रोड लेगा और उसके यहां पे एक मिरर लगा होता है छोटा सा इस तरह से, तो ये आपका कॉनकेव मिरर ही होता है. ठीक है, या तो उसके हेड पे लगा होता है, ठीक है, या इस तरह से एक छोटी सी रोड होगी उसके आगे लगा होगा, तो उसको आपके वो माउथ में डालता है और वहां पे आपकी जो टीथ की इमेज होती है ना, वो इमेज को वो एनलार्ज्ड देखता है, तो वहां पे इसका यूज होता है. तो अपने आपका जो टीथ होता है उसकी बड़ी साइज की इमेज देखने के लिए, ताकि आपकी कैविटी कहाँ है, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है वो पता चल सके, तो डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर को यूज करता है, बिकॉज कॉनकेव मिरर फॉर्म एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. तो इसलिए डेंटिस्ट भी इसको यूज करता है. दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट आल्सो. थर्ड, इट इज यूज्ड बाय द ईएनटी डॉक्टर.
ईएनटी डॉक्टर मतलब ईयर नोज एंड थ्रोट का स्पेशलिस्ट जो होता है ना, वो भी इस मिरर को बहुत यूज करता है टू गेट द एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम है उसकी एनलार्ज्ड इमेज देख सकता है वो इससे, आपके नोज में कोई प्रॉब्लम है, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है, तो उन चीजों में स्पेसिफिक अलग अलग तरीके से डॉक्टर इसको यूज करता है, तो ईएनटी डॉक्टर भी इसको यूज कर सकता है। उसके बाद तो पहले जो तीनों पॉइंट थे आपके वो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे। ठीक है, यूज एज अ मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर एंड ईएनटी डॉक्टर। ठीक है, अगले जो दो पॉइंट्स है वो आपके बेस्ड है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। आपका कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज कर सकता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है टॉर्चेस में, व्हीकल हेडलाइट्स में, जो आपके व्हीकल होते हैं कार ट्रक, इनकी हेडलाइट्स में यूज होता है ये मिरर। छोटा सा लगा होता है, कभी हेडलाइट को ध्यान से देखोगे तो उसमें अंदर की तरफ कॉनकेव मिरर लगा होता है। उसके बाद सर्च लाइट्स आपकी जो जैसे आपके जो टावर्स होते हैं बड़े बड़े शिप वगैरह, उसमें आप ओशियन वगैरह में सी में देखोगे, समुद्र में, वहां पे बड़े बड़े लाइट टावर होते हैं, वहां पे सर्च लाइट्स होती है, आपके ये प्रिजन होते हैं वहां पे सर्च लाइट होती है, कोई कैदी भाग जाए तो उसको ढूंढने के लिए सर्च लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उन सर्च लाइट्स में भी किसका यूज होता है, कॉनकेव मिरर का। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने एक टॉर्च का डायग्राम बनाया है। ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाया है, टॉर्च या व्हीकल हेडलाइट इसको आप सोच सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये लगा है तुम्हारा एक कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे ये जो है ना, ये जो डॉट मैंने बनाया है, ये बल्ब है मेरा। ठीक है, अब ये बल्ब कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है इस कॉनकेव मिरर के। तो यहां से जब लाइट रेज जाएगी, ठीक है, और हिट करेगी इस कॉनकेव मिरर को, और आपको पता है व्हेन लाइट रेज पासिस थ्रू फोकस दे बिकम्स पैरेलल, तो पैरेलल कर देगा लाइट रेज को, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट रेज को फेंक देता है। आपको ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना, बट समझाने के लिए बनाया मैंने। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसको यूज किया था सोलर कुकर्स में। अब सोलर कुकर में कैसे, तो यहाँ पे सोलर कुकर है मेरे पास और यहाँ पे मैंने ये कॉनकेव मिरर लगा रखा अपना। अब लाइट रेज सन से आती है, सन बहुत दूर होता है, तो पैरेलल रेज आएगी। अब पैरेलल रेज आके जैसे ही मिरर को हिट करेगी, अब आपको पता है पैरेलल रेज दे मीट एट फोकस, फोकस पे मीट करती है, तो यहाँ पे जहां पे मिरर का फोकस होगा ना, वहां पे हम अपना कंटेनर रख देते हैं और लाइट रेज सारी आके इस कंटेनर के ऊपर गिरती है, कन्वर्ज हो जाती है कंटेनर के ऊपर जो कि आपके मिरर के फोकस पे रखा है, और जो भी इसमें खाना होगा, नूडल्स आपको बनाने हैं, पानी गर्म करना है, कुछ भी, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसकी कन्वर्जिंग जो प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर, उसकी वजह से इसको टॉर्च में, व्हीकल हेडलाइट या सर्च लाइट्स में यूज कर सकते हैं या सोलर कुकर्स में यूज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी पांच प्रॉपर्टीज, सॉरी पांच यूजेस। अब एग्जाम में आपसे कुछ इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच मिरर इज यूज इन सोलर कुकर, कॉनकेव मिरर, विच मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, कौन सा है, कॉनकेव मिरर, विच मिरर इज यूज एज अ शेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर के हमने रे डायग्राम देखे थे, उसमें आपके दो ही रे डायग्राम थे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज आपकी फोकस पे बनी थी पॉइंट साइज की, और जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में, जो पोल और इन्फिनिटी के बीच में था, तो इमेज आपकी पोल और फोकस के बीच में बनी थी, और कैसी बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी थी, और स्मॉल साइज की बनी थी, डिमिनिश्ड बनी थी, और हर बार ऐसे ही होगा, वो डिमिनिश्ड ही बनेगी, स्मॉल साइज की ही बनेगी, बट हमेशा वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, इट ऑलवेज ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सेकेंड इसका यूज होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मतलब ये लाइट रेज को फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। अब इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से इनको दो ऐसी जगहों पे यूज किया जाता है जहां पे सिर्फ ये ही कारगर हो सकता है। आप यहाँ पे कॉनकेव मिरर को यूज नहीं कर सकते, प्लेन मिरर को यूज नहीं कर सकते, कॉन्वेक्स को ही करना पड़ेगा। क्यों, देखो सबसे पहला इसको यूज होता है एज अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर मतलब ड्राइवर्स मिरर, जब ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा होता है या मोटर बाइक राइड कर रहा होता है तो पीछे रोड को देखने के लिए वो एक मिरर का यूज करता है, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर या ड्राइवर्स मिरर। इसका काम होता है पीछे जो ट्रैफिक हमारे होती है कार के, आपकी बाइक के,
तो उस ट्रैफिक को भी हम पे नजर रखना है हमको कि भाई वो हमसे आगे निकल रही है, कभी ओवरटेक करने की ट्राई तो नहीं कर रही है, कभी हम लेफ्ट टर्न ले राइट टर्न ले और वो ऊपर चढ़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो उससे बचने के लिए हमें अपने पीछे वाली ट्रैफिक पे भी नजर रखनी होती है। एंड उसके लिए हम कैसे मिरर का यूज करेंगे, भाई ऐसे मिरर का यूज करेंगे जो हमें बहुत सारे एरिया को एक छोटे से मिरर में दिखा सके, बहुत सारे एरिया को। अब देखो ट्रक होता है, ट्रक तो बहुत बड़े साइज का होता है, अब उस ट्रक को मैं एक मिरर में कैसे देख सकता हूँ अगर मिरर मेरे को उसकी छोटी इमेज बना के दे दे। और छोटी इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर ही तो बनाता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स डिमनेज्ड, डिमनेज मतलब स्मॉल साइज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, ठीक है। दैट्स व्हाई एज अ ड्राइवर मिरर और एज अ रियर व्यू मिरर वी यूज कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इससे हम ट्रैफिक देख सकते हैं विच इज बिहाइंड द व्हीकल, ठीक है। तो बहुत सारे लार्ज एरिया को आपको एक छोटे से मिरर में कॉन्वेक्स मिरर शो करके दिखाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका यूज होता है स्ट्रीट लैंप्स में। अब देखो जो हमारे स्ट्रीट लैंप्स होते हैं उनका काम क्या होता है, पूरी जो आपकी स्ट्रीट होती है, गली होती है, उस पूरी गली को लाइट पहुंचानी है हमें। अब उसके लिए हम ऐसे मिरर का यूज करेंगे जो लाइट को फैलाए, और ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स मिरर के पास। कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, जो भी बल्ब उसके अंदर लगा है, लैंप के अंदर, उस बल्ब से जो भी लाइट निकल रही है उस लाइट को वो पूरे एरिया में फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, और उसकी वजह से हम ज्यादा एरिया को इजीली देख सकते हैं। तो एक स्ट्रीट लैंप आपके बहुत सारे एरिया को कवर कर देगा और लाइट पहुंचा देगा। बट वहीं पे अगर मैं कॉनकेव मिरर यूज करता तो, अब कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, तो एक थोड़े से एरिया पे ही लाइट को फैलाता, मतलब थोड़े से एरिया पे ही लाइट को गिराता। बट कॉन्वेक्स मिरर बिकॉज डाइवर्जिंग मिरर है तो इस लाइट को ये फैला देगा सारे एरिया में। तो ये दो यूजेस एग्जाम में पूछी जाती है। इस तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो डायरेक्ट पूछता है राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और पूछा जाता है विच मिरर इज यूज्ड इन स्ट्रीट लैंप्स, तो आपका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। विच मिरर इज यूज्ड बाय द ड्राइवर्स ड्राइवर, और विच मिरर इज यूज्ड इन कार टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। अगर कारण पूछ ले आपसे, देखो ये रीजन लिखी है, अगर कोई पूछ ले व्हाई इट इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर, तो आप क्या आंसर दोगे, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म डिमनेज्ड वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। अगर आपसे पूछ ले व्हाई इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लैंप्स, तो आप आंसर दोगे इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैंने ये चीज भी ऊपर लिख रखी है। तो आपसे कभी रीजन पूछ ले तो आप रीजन यहां से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे यूजेज आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्लेन मिरर से रिलेटेड, तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन और एग्जाम में 1 मार्क में पूछ लेते हैं, विच मिरर इज यूज्ड इनसाइड द कार, इनसाइड द कार, इनसाइड द ट्रक, ट्रक के अंदर, कार के अंदर जो मिरर होता है, अंदर, रियर व्यू मिरर की बात नहीं कर रहा मैं, ड्राइवर मिरर की बात नहीं कर रहा, साइड वाले मिरर की बात नहीं कर रहा मैं, कार के अंदर जो मिरर होता है जनरली, जिसमें आप अपने हेयर चेक करते हो कार में बैठने के बाद, ठीक है, उस मिरर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब वो मिरर आपका होता है प्लेन मिरर, याद रखना, ना वो कॉन्वेक्स होता है ना वो कॉनकेव होता है, वो प्लेन मिरर होता है। कभी आप ऑब्जर्व करो, एम्बुलेंस अगर आपके पीछे है तो एम्बुलेंस पे जो अल्फाबेट लिखे होते हैं ना एम्बुलेंस, वो उल्टे लिखे होते हैं, पर अगर आप इस मिरर में चेक करोगे ना, कार के मिरर में उसकी इमेज को, पीछे जो एम्बुलेंस आ रही है, तो आपको एम्बुलेंस सीधा लिखा दिखेगा। क्यों लिखा दिखेगा, बिकॉज प्लेन मिरर के पास एक प्रॉपर्टी होती है लिटरल इन्वर्जन की। पता है ना आपको लेटरल इन्वर्जन, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। तो जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ना, वो प्लेन मिरर में मेरे को सीधा दिखता है, ठीक है। तो याद रखना, इसी वजह से कार के अंदर वाला जो मिरर होता है दैट इज योर प्लेन मिरर, ठीक है। तो कार के जो नंबर है, मान लो किसी कार का नंबर आपको देखना है, पीछे कोई कार आपके लगी हुई है और उसका नंबर प्लेट पे आपको नंबर देखना है, तो आप अंदर वाले मिरर में, प्लेन मिरर में चेक करोगे, तो नंबर आपको सीधा ही, मतलब अगर उल्टा है तो वो सीधा दिखेगा। कुछ भी चीज अगर उल्टी लिखी है तो आपको सीधी दिखेगी एक तरह से। तो लेटरल इन्वर्जन का यूज इसमें हम करते हैं। हाँ, अगर ड्राइवर्स मिरर की तरह आपको यूज करना है तो ड्राइवर मिरर में आप यूज करोगे कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि वो छोटी इमेज आपको बना के देगा, छोटी और वर्चुअल, ठीक है। तो अगर आपको अंदर वाला मिरर पूछ ले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इनसाइड द कार, तो उस केस में आपका आंसर होगा प्लेन मिरर, बिकॉज इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है लिटरल इन्वर्जन की। तो जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है वो आपको इस मिरर में सीधा लिखा दिखता है, ठीक है। तो ये थे आपके मिरर यूजेस ऑफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं रिफ्लेक्शन में टू सॉल्व द न्यूमेरिकल उनको डिस्कस करूंगा, और 2 से 3 न्यूमेरिकल आपकी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, बाय एंड टेक केयर।